गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपका चैप्टर टू है माय बॉडी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। Each organ help us to do something. We can see some of our organs, but there are many organs inside our body that cannot be seen. We can group all our organ into external and internal organs. देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को हम ऑर्गेन्स कहते हैं, ठीक है। इन हर ऑर्गेन्स हमें किसी न किसी काम में हेल्प करते हैं। हम अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को तो देख सकते हैं, पर कुछ ऑर्गन्स को नहीं देख सकते। तो हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स को कहेंगे जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ईयर हो गए, नोज हो गए, टीथ हो गए, शोल्डर, आर्म, हेयर, फोरहेड, आई, लिप्स, नेक, ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए। और इंटरनल ऑर्गन्स वो हो गए जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमैक हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन विच आर लोकेटेड आउटसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। वी कैन सी ऑल आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहेंगे? वैसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के बाहर में लोकेटेड है, ठीक है। क्या क्या है बाहर में लोकेटेड? यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। हेयर, फोरहेड, आई, लिप्स, नेक, चेस्ट, बेली, थंब, थाई, एंकल, फुट, ईयर, नोज, टीथ, शोल्डर, आर्म, हैंड, फिंगर्स, नी, लेग, ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हुए। आवर होल बॉडी इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ स्किन। हमारे पूरे शरीर में जिस चीज से कवर किया गया है उसे हम स्किन कह रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। वैसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर में है उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कह रहे हैं। वी कैन नॉट सी आवर इंटरनल ऑर्गन। हम अपने इंटरनल ऑर्गन को देख नहीं सकते। क्या क्या है वो? ब्रेन, हार्ट, लंग एंड स्टोमेक आर सम आवर इंटरनल ऑर्गन। लेट अस नो अबाउट देम। अब हम उनके बारे में जानेंगे। ब्रेन क्या है? ब्रेन, द ब्रेन इज लोकेटेड इन साइड द हेड। हमारे हेड के अंदर क्या है? ब्रेन। इट हेल्प अस थिंक, लर्न एंड रिमेम्बर। ये हमें सोचने में, याद करने में हेल्प करता है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू आवर बॉडी व्हाट टू डू। ये हमारे पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है ये क्या करना है, नहीं करना है। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द अदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के और भी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ हर्ट, द हर्ट इज लोकेटेड इन साइड द चेस्ट। हमारी चेस्ट में, चेस्ट के अंदर हर्ट होता है। इट बीट्स ऑल द टाइम। ये हमेशा धड़कते रहता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हर्ट्स का काम क्या है? पूरे बॉडी में ब्लड को पम्प करना। लंग्स, वी हैव टू लंग्स। दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन साइड द चेस्ट। दे हेल्प्स अस टू ब्रेथ। लंग्स भी चेस्ट के अंदर होता है, ठीक है, और ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है। स्टोमैक, द स्टोमैक लुक्स लाइक अ बैग ऑफ फ्लैश। इट इज इन साइड आवर बेली। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोमैक हमें हेल्प करता है खाना को पचाने के लिए, और ये हमारे बेली में होता है, ठीक है। अब आपका आवर सेंस ऑर्गन्स, ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो पे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, हर एक वीडियो देखिए। थैंक यू।